मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 28 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके निधन से उनके परिवार और फैंस को गहरा सदमा लगा था। सिद्धू के निधन के बाद से उनका परिवार काफी दुखी हो गया था और बिना संतान के अकेला पड़ गया था। तो अब सिद्धू के माता पिता ने एक बार फिर से माता पिता बनने का फैसला लिया है और 58 साल की उम्र में उनकी माँ एक बार फिर से IVF के जरिए माँ बनने वाली है। तो वहीं मूसेवाला फैमिली में एक बार फिर से बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है और ये बच्चा पैदा होते ही 114 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बनने वाला है। जी हाँ, सिद्धू ने नाम के साथ दौलत शोहरत भी खूब कमाई है, जिसको देखभाल करने के लिए इससे पहले कोई नहीं था, लेकिन अब फिर से मूसेवाला खानदान में अरबपति वारिस की किलकारियां गूंजने वाली है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला के निधन के पूरे 2 साल बाद एक बार फिर उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। 2 साल से गम में डूबे सिद्धू के माता पिता चरण कौर और बलकौर सिंह जल्द एक बार फिर माता पिता बनने वाले हैं और उनके घर जूनियर सिद्धू दस्तक देने वाला है। बता दें, ये बच्चा मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म ले रहा है। आखिर सिद्धू ने अपनी सिंगिंग से खूब दौलत शोहरत जो कमाई थी, जिसकी देखभाल अब उनका आने वाला बहन या भाई करेगा। सिद्धू मूसेवाला अपने परिवार की इकलौती संतान थे और उनकी हत्या के बाद माता पिता के पास कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए उनके माता पिता चरण कौर और बलकौर सिंह ने अपना परिवार एक बार फिर आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। मूसेवाला की मां ने 58 साल की उम्र में IVF तकनीक की मदद से अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। वो माँ बनने वाली है और अगले महीने ही बच्चे को जन्म देंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू $14 मिलियन यानी 114 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पीछे छोड़ गए थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक पेरेंट के लिए चिंता का विषय है कि उनके जाने के बाद उनके पैसों, घर, लग्जरी गाड़ी और बाकी संपत्ति का क्या होगा। ऐसे में काफी सोच समझ कर लिए गए इस फैसले के पीछे ना जाने परिवार की कितनी वजहें होंगी। आइए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला ने कितनी संपत्ति अपने पीछे छोड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए सिद्धू 41 लाख रुपए चार्ज करते थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और कनाडा तक में उनके कॉन्सर्ट की बड़ी डिमांड थी। म्यूजिक वीडियो के लिए वो 6 से 8 लाख रुपए लेते थे। इसके अलावा उन्होंने कई प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट की थी। सिद्धू को गोल्ड ज्वेलरी का भी काफी शौक था। बताया जाता है कि पंजाब में उनकी आलीशान हवेली है। इसके अलावा कनाडा में भी उनका अपना शानदार घर है। बताया जाता है कि मूसेवाला ने अपना पहला गाना जी वैगन कनाडा से रिलीज किया था और इसके बाद उन्होंने भारत और कनाडा में लाइव शो में परफॉर्म किया और यहां से उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। प्रॉपर्टी के अलावा सिद्धू को महंगी गाड़ियों का भी शौक था। एक लग्जरी कार को खरीदने के लिए सिद्धू लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते थे, तभी तो एक से बढ़कर एक महंगी कार उनके काफिले में मौजूद थी। सिद्धू के कार कलेक्शन में लगभग 2.5 करोड़ की एक मर्सिडीज MG63 कार थी। इसके अलावा उनके पास टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप, इशुजु डी-मैक्स, रेंज रोवर और मस्तांग जैसी गाड़ियां भी थी। कार के अलावा सिद्धू के पास महंगी बाइक्स का भी कलेक्शन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू के बाइक कलेक्शन में रॉयल एनफील्ड बुलेट भी शामिल थी, जिसकी कीमत भी लाखों में है। ऐसे में सिद्धू की पूरी प्रॉपर्टी का हकदार उनके आने वाला सिबलिंग होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च महीने में ही सिद्धू की मां चरण कौर बच्चे को जन्म देंगी। इस खबर से ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि सिद्धू के तमाम चाहने वाले भी खुशी से झूम उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।